हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक DIY क्राफ्ट जिसे आप बना सकते हैं घर के कबाड़ से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। तो पहले मैं उसे दिखाना चाहूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो गाइस, ये है वो DIY क्राफ्ट जिसे मैंने बनाया है एक इन्वर्टर की बैटरी वाले गत्ते से, और इसे बनाना बहुत ही आसान था। आप इसे घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये एक वॉल हैंगिंग का काम करेगा गाइस, इसे आप कहीं भी अपने घर पर टांगिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। कोई नहीं बता सकता कि इसे आपने अपने हाथों से बनाया है। जो भी इसे देखेगा वो यही कहेगा कि ये रेडीमेड है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है। ये बॉक्स मैंने इन्वर्टर की जो साइड्स हैं उससे लिया था। मुझे ये ऊपर का एक्स्ट्रा पैटर्न नहीं चाहिए था तो मैंने इसको कट कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें जैसा पैटर्न मुझे बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे दोनों ही साइड्स पर मार्कर की हेल्प से ड्रॉ कर लिया है। फिर मैंने मोल्डेड क्ले को लिया। मोल्डेड क्ले से आप जैसा चाहे वैसा पैटर्न बना सकते हैं। दोनों ही क्ले को आपस में मिक्स करके, रेजिन और क्ले को आप अच्छे से मिक्स करके, आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने कार्डबोर्ड के बॉक्स पर उसे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू को यूज़ किया है। आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है उसको अपने कार्डबोर्ड पर लगाइए। ये देखिए गाइस, मैंने इस तरीके से बॉबी पिन की हेल्प से इसमें एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है और कार्ड की हेल्प से भी साइड्स का पैटर्न बना लिया है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने डिज़ाइन पर फेविकॉल लगाना स्टार्ट किया और मोल्डेड क्ले को उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। दोनों ही साइड्स को एक जैसा मैंने ड्रॉ किया था तो मैंने मोल्डेड क्ले को दोनों ही साइड पर एक जैसा पेस्ट करके आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया है। आप जैसा चाहे वैसा पैटर्न इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली आप इसे और बच्चे भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब गाइस, मैंने इसमें सेंटर में ओम का पैटर्न ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे ओम का पैटर्न ही चाहिए था। आप चाहे तो इसके सेंटर में कुछ और पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि कोई फ्लावर, कोई स्वास्तिक, गणपति, जो आपको पसंद है, कोई बटरफ्लाई, जो आप बनाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने इसकी साइड्स की बाउंड्री पर छोटे छोटे क्ले के राउंड बॉल्स को पेस्ट किया है और फिर उसमें बॉबी पिन की हेल्प से डॉट बनाए हैं। फाइनली मैंने इसमें कलरिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने इसके बेस कोट में वाइट कलर का यूज़ किया है क्योंकि वाइट कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको एक कोट से प्रॉपर कलर नहीं मिल पाता है तो आप इस पर डबल कोट भी कर सकते हैं, बट मुझे एक सिंगल कोट में ही अच्छा कलर पे ऑफ मिल गया था। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ किया है। आप जो चाहे वो कलर यूज़ कर सकते हैं, बट एक्रेलिक पेंट्स को यूज़ करना ही बेस्ट रहेगा जो कि मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज़ में ग्रीन कलर करना स्टार्ट करेंगे। आप जो चाहे वो कलर कर सकते हैं और चाहे तो मुझे कॉपी भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर की बाउंड्री बहुत ही प्यारी लग रही है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी देखने में, तो मैंने ग्रीन कलर से ही इसको बनाया है। नाउ मैंने इसके सेंटर की जो बाउंड्री है उसको येलो कलर से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। येलो कलर देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये मेरे पैटर्न के साथ भी बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा था, तो मैंने येलो कलर से ही इसकी बाउंड्री को बना दिया।
और अब बारी आती है सेंटर के ओम की। तो मैंने इसे रेड कलर से पेंट किया है, रेड कलर से काफ़ी देखने में प्यारा लग रहा था। और बाकी की इसकी जो डिटेलिंग है उसको भी मैंने अच्छे से पूरा कर दिया है ग्रीन कलर और रेड कलर की हेल्प से। एंड देन लास्ट में मैंने फेविकॉल की हेल्प से इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मिरर्स को ऐड कर दिया है। मिरर की वजह से इस क्राफ्ट में जान सी आ गई है और मिरर की वजह से ही ये क्राफ्ट बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। मिरर को ध्यान से पेस्ट कीजिएगा अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहे वैसा पैटर्न बनाएं, राउंड, ओवल या डायमंड शेप, आप इसमें फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने मिरर्स को पेस्ट कर लीजिए। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर मास्टर पीस गाइज। आप इसे अपने ड्राॅइंग रूम या जहाँ चाहें वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसे ट्राई कीजिएगा।